हेलो गाइस, मोस्टली आप देख रहे हो मोटर फ्यूलर। आज अपन देखने वाले हैं बेस्ट कार अंडर 10 लैक्स, लेकिन इसमें एक चेंज है। यहाँ पे अपन जो आपकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर रखेंगे। देखिए होता क्या है, ज़्यादातर वीडियोस में आपको एक बेस्ट व्हीकल बता दिया जाता है किसी भी प्राइस के अंदर कि भाई यही बेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए कुछ कंपनी की कुछ खूबी होती है, कुछ कार्स की कुछ खूबी होती है, तो इसलिए अपन जो है प्रायोरिटी के हिसाब से आपको व्हीकल बताने वाले हैं 10 लाख के अंदर। और ये जो है ऑन रोड प्राइस होगी, वेरियंट में मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, देखिए मैंने कुछ चीज़ें डिवाइड कर दी है। सबसे पहले रखी देखिए स्मॉल एसयूवी, जो इजी टू ड्राइव हो, जो आपको सिटी टू सिटी ड्राइव में हेल्प करे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। उसके बाद सेकंड है अपनी भाई देखिए लिटिल बिट ऑफ रोडिंग कर सके, जिसमें जो आपको कंफर्ट मिल जाए ऑफ रोड में वो। उसके बाद जो है एमपीवी, देन जो है मैं आपको एक सरप्राइज कार भी बता दूंगा। और अपन जो है इसमें आपको हैचबैक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्मॉल एसयूवीज में, तो नंबर 1 पे है भाई वेन्यू। और वेन्यू का देखिए न्यू डिज़ाइन जस्ट आने वाला है, तो आप जो है थोड़ा वेट कर सकते हैं, बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। अदरवाइज़ मैं आपको बता देता हूँ करेंटली जो मैंने देखा है वो। देखिए S+ 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ जो आता है, इसमें आपको जो है बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं और बढ़िया वेरिएंट है। और वेन्यू का जो डिज़ाइन है ना गाइस, ये असली कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला डिज़ाइन है, बॉक्सी डिज़ाइन है, जिसमें आपको बोनट भी विजिबल होता है ड्राइव करते वक्त, और अंदर से भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है, तो इजी टू ड्राइव रहती है। और यही इसका सिग्नेचर थिंग थी। सेल्स इसकी अच्छी खासी इसलिए होती है क्योंकि इसको मैक्सिमम लोग इसलिए लेते हैं, काफ़ी इजी टू ड्राइव होती है, इजी टू मनोवर होती है। तो ये भाई आप देख सकते हैं 10.02 लैक्स में आपको जो है ऑन रोड डेली देखने को मिल जाएगी, आपके स्टेट टू स्टेट और आपके डीलर टू डीलर की प्राइस थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है, अदरवाइज सेम मिलेगी। सेकंड गाड़ी भाई अपनी पंच, टाटा की पंच आप देख सकते हैं। जब इजी टू ड्राइव की बात करते हैं, इसमें भी जो आपको बॉक्सी डिज़ाइन मिल जाता है, ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, और इसमें आपको जो है टॉप एंड ऑलमोस्ट मिल जाता है, क्रिएटिव आई रेप के साथ ड्यूल टोन आपको मिल जाएगा 9,80,000 रुपये ऑन रोड में। और ये भी बहुत अच्छा है, इसमें आपको जो है सेफ्टी भी मिल जाएगी 5-स्टार रेटेड। देन अगर अपन थर्ड देखें तो आप जो है सोनेट को भी देख सकते हैं, वेन्यू के प्लेटफॉर्म पे होती है, वेन्यू वाला इंजन ही शेयर करते हैं ये। तो यहाँ पे आपको जो है STK+ मिल जाएगा, थोड़े फीचर्स कम मिलेंगे, तो यहाँ पे आप जो है वेन्यू को आई थिंक फर्स्ट प्रायोरिटी रखी। सेकंड पे अगर आप देखना चाहें तो सोनेट को भी देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती है, थोड़े बहुत जो है फीचर्स आपके डिक्रीज हो जाएंगे। देन आते हैं अपन भाई इसमें, अगर आपको मान लीजिए रिक्वायरमेंट है भाई कि आपको पावर चाहिए अच्छी खासी, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, सेफ्टी चाहिए, तो यहाँ पे एक बेस्ट चॉइस मेरे हिसाब से बन जाती है, वो है महिंद्रा XUV 3W का W4 वेरिएंट, यानी बेस वेरिएंट ही आपको जो है 1.2 लीटर पेट्रोल में मिलेगा। और लगभग 109 BHP का पावर और 200 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, बहुत ही पावरफुल गाड़ी है। और ये सिटी ड्राइव में मैंने इसलिए इंक्लूड करी है, देखिए इसके सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ साइड है, तो आई थिंक ये आपको जो है ऑन रोड ड्राइव्स के लिए बेटर लगेगी, और हाईवे भी आपको जो है बहुत अच्छा मज़ा ये दे देगी। अब आ जाते हैं भाई लिटिल बिट ऑफ रोड एंड कम्फर्ट, जहाँ पे आपको जो है थोड़ा बहुत ऑफ रोड में कम्फर्ट मिल जाए। तो नंबर 1 पे भाई अभी सेकंड कार है जो सबसे ज़्यादा सेल हो चुकी है इंडिया में स्विफ्ट के बाद, वो है भाई टाटा की नेक्सॉन। जी हाँ, टाटा नेक्सॉन सेल्स में धमाल मचा रही है। और यहाँ पे आपको जो है टाटा का नाम आ गया ना, तो आपको जो है ऑफ रोडिंग में या ख़राब रास्तों पे सबसे ज़्यादा कंफर्ट टाटा ही देगी। इनके सस्पेंशन का क्या डिज़ाइन होता है कुछ आज तक समझ नहीं आया, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट ड्राइव करती है। तो यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगी टाटा नेक्सॉन की XMS 10.28 लैक्स ऑन रोड में, और इसमें आपको जो है सनरूफ जैसे फीचर्स भी मिल जाएंगे, रेन सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर्स भी मिल जाएंगे, अलॉय व्हील्स मिसिंग रहेंगे, लेकिन ये सब भी आपको जो है मिल जाएगा। ये भी एक बहुत ही तगड़ा वेरियंट हो सकता है अगर आप देखना चाहें। और जो टाटा नेक्सॉन का नेचर है ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट साइड है, और नेक्सॉन जो है मेरी प्राइमरी कार है, तो मैं इससे आपको बता सकता हूँ ख़राब रास्तों पे आपको जो बहुत अच्छा कंफर्ट ये दे देगी। और इसके बाद जो सेकंड व्हीकल है जो अपन ऑफ रोड के लिए चूज़ कर सकते हैं गाइस, वो होगी महिंद्रा की बोलेरो नियो। जी हाँ गाइस, महिंद्रा बोलेरो नियो एक अंडर 4 मीटर गाड़ी है, और ये जो एक प्रॉपर ऑफ रोडर आपके लिए बन सकती है अगर आप जो है 10 लाख के अंडर देख रहे हैं तो। जी हाँ गाइस, 10.75 लैक्स में आपको जो है इसका N4 वेरिएंट जो है ऑन रोड डेली देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको मिलती है भाई ऑफ रोड कैपेबिलिटीज। जी हाँ गाइस, ये लैडर फ्रेम है सबसे पहली बात, ये जितनी भी गाड़ी अभी तक आपने देखी है सब मोनोकॉक है, लेकिन प्रॉपर लैडर फ्रेम पर आती है, रियर व्हील ड्राइव पर आती है, मतलब आपको जो है पीछे के चक्कों में पावर मिलेगी, और इसमें आपको जो है 1.5 लीटर का एमॉक डीजल इंजन मिल जाता है। जी हाँ, ये डीजल इंजन ऑफर करती है, अभी तक आपको जो है सिर्फ पेट्रोल जो है इस प्राइस में देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको जो है डीजल मिल जाएगा, जो कि 100 BHP का पावर प्रोड्यूस करेगा, 260 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और एमॉक बहुत ही सक्सेसफुल इंजन है। और एक ही आपका जो है, अगर आप जो है रूरल एरियाज में रहते हैं तो आपके लिए फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए,
गजब की आपको जो ऑफ रोड की एबिलिटीज मिल जाएगी। स्पेस की बात करूँ तो भर भर के स्पेस मिलता है गाइस। बैजिंग जब से इस पर लगी है TUV 300 से, तब से ये जो है काफ़ी सक्सेस प्रोडक्ट बन चुका है और ड्राइविंग डायनेमिक्स भी इसके अच्छे हैं। बॉडी रोल आपको मिलेगा लेकिन जिस चीज़ के लिए इसको बनाया गया है वो आपको दे देगी। उसके बाद भाई नंबर 3 पे आ जाती है भाई ब्रेजा। अभी ब्रेजा मैंने ये ऑफ रोड सेगमेंट में क्यों रखी गई, इसका भी जो डिज़ाइन है, जो सस्पेंशन स्टाइल है, ये सब सह लेता है। और मारुति जो अपनी थोड़ी रगेडनेस और लॉन्ग लाइफ के लिए फेमस होती है, तो भाई इसलिए जो है ब्रेजा को मैंने इस सेगमेंट पर रखा है। उसके सस्पेंशन भी जो है थोड़े बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं है, मिड में रहते हैं, मतलब आप जो अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं ख़राब रास्तों पे भी। और लेकिन इसको जो है मैं अभी आपको इग्नोर करने को बोलूँगा क्योंकि इसका फेसलिफ्टेड वर्जन बहुत ही पास में है, वो आने वाला है, तो आप उसका भी वेट कर सकते हैं। और अगर आपको जो अभी लेना है तो आप अभी भी ले सकते हैं, गाड़ी में कोई बुराई नहीं। आपको जो है सक्सेसफुल इंजन मिलता है। पेट्रोल इंजन की अगर आप बात करते हैं भाई तो मारुति नंबर 1 पे आता है गाइस। 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, 103 BHP और 130 Nm का टॉर्क मिलेगा। पावर फिगर्स में मत जाइए, मैं आपको रिलायबिलिटी की बात कर रहा हूँ, लो मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ। और ये जो है CNG कंपैटिबल बहुत अच्छे होते हैं, तो अगर आपकी इस टाइप्स की नीड है CNG के लिए तो आप इसको जो है 100% यूज़ कर सकते हैं। CNG के लिए बेस्ट इंजन हो सकता है। और आप अगर वेट कर सकते हैं तो ब्रेजा के फेसलिफ्ट का वेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं भाई MPV पे। तो MPV में देखिए मैंने नंबर 1 पे देखिए रखा है थोड़ा सा डिज़ाइन की वजह से, वो देखिए किया कैरेंस का बेस वेरिएंट जो प्रीमियम आता है 1.5 लीटर में, ये आपको जो है 7 सीटर स्पेस दे देगा और जो है 10.78 लाख में आपको जो है देखने को ये मिल जाती है, मतलब अंडर ऑलमोस्ट 11 लाख की देखने को मिल जाती है। और एक बढ़िया MPV है जिस प्राइस में आती है, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। इसका जो है प्राइस हाइक होने वाला है, कई जगह हो चुका है तो वो आप चेकआउट कर लेना, लेकिन बहुत सही प्राइस में आपको ये देखने को मिल जाती है और काफ़ी स्पेशियस है। और जो किया का सेल्टोस था ना प्लेटफॉर्म, उसी को जो एक्सटेंड करके, व्हील बेस एक्सटेंड करके इसको बनाया गया है, तो काफ़ी अच्छी ड्राइविंग डायनेमिक्स भी आपको देखने को मिल जाती है। और इसके बाद जो है भाई MPVs में एक जो है लेजेंड है, इसको तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते, वो है भाई अर्टिगा। तो अर्टिगा का आपको जो है VXI वेरिएंट देखने को मिल जाता है जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसके सारे गाड़ियों के मैं ऑलमोस्ट के जो है ऑनर्स रिव्यू कर चुका हूँ, चाहो तो चेकआउट कर सकते हैं। तो भाई ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, 9.94 लाख में आपको जो इसका VXI वेरिएंट मिल जाएगा। और आप रगड़ते रहिए, चलाते रहिए, आपको टैक्सी में चलाना हो, कहीं भी चलाना हो, ये भी जो है CNG कंपेटेबल बहुत ही अच्छी है, तो ये 2-3 काम आपके कर देगी। तो आपको थोड़ा मॉडर्न लुक्स चाहिए तो आप कैरेंस पे जा सकते हैं, उसके बाद अर्टिगा पे जा सकते हैं। इसके बाद देखिए ड्राइवर वगैरह है, लेकिन रेनॉल्ट को मैं अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, रेनॉल्ट और निसान को, क्योंकि हालत ख़राब लग रही है भाई उनकी मार्केट की, तो मैं अभी आपको नहीं चाहता कि ये लेने का बोलूँ। उसके बाद लास्ट गाड़ी भाई मैं आपको सिर्फ सेडान बताने वाला हूँ। उसके बाद लास्ट गाड़ी गाइस देखिए मैं आपको बोला था एक सरप्राइज़, तो भाई मैं आपको जो है बेस्ट कार अंडर 10 लाख में सेडान बताने वाला हूँ। तो सेडान में नंबर 1 पे आती है भाई अपनी होंडा का अमेज़। और नंबर 1 पे क्या, 1 एंड ओनली होंडा अमेज़, जहाँ गाइस सारी गाड़ियाँ जो है इस प्राइस से ऊपर निकल जाती है। ये एक ऐसी गाड़ी है अगर आपको जो है सेडान लेना हो तो VX वेरिएंट आप जो है CVT ट्रांसमिशन के साथ 1.2 लीटर पेट्रोल इसका ले सकते हैं। इनका CVT भी बहुत अच्छा है और जो पेट्रोल है आपको पता ही है भाई होंडा फेमस है अपने होंडा पेट्रोल के लिए, तो ये आपको देखने को मिल जाती है। काफ़ी स्पेशियस है, मेरा दोस्त जो है इसको बहुत ब्रूटली यूज़ करता है, काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी रगेड है। थोड़े बहुत जो इसके व्हील्स और सस्पेंशन में काम आते हैं, इसका भी जो डिटेल ऑनर व्यू डल चुका है, आप जा तो चेकआउट कर सकते हैं। और जिनका ट्रांसमिशन भी काफ़ी अच्छा है, तो ये वेरिएंट भी काफ़ी जो आपको वैल्यू फॉर मनी लग सकता है। तो यही था गाइस, मैंने जो है बेस्ट व्हीकल आपकी प्रायरिटीज़ के हिसाब से बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आप जो डिटेल में इनके फीचर वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।